परमारध्यतम निरुपाधिक करुणावारिधि गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण विश्वामी षष्टम दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए कृपा प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात रूपानुभव गुरुवर्गति वैष्णववृंद विशेषत सर्व स्वामी पाद रसिका आचार्य व्रज महामहंसल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सबके चरण कोण दंडवत प्रणाम करने की कृपा प्रार्थना करते हैं। कृपा प्रार्थना करते हैं उपस्थित वैष्णववृंद भक्तवृंद सबके चरण महाराज कितना बंद कथा है मैंने कहती है पंद्रह कह दो ये पुरुषोत्तम महीना परमार्थिक साधनों का पालन करने के लिए सुवर्ण सुजोग है और उसमें अगर गुरु वैष्णव की अनुगत्य में और वैष्णव के सानिध्य में सुजोग मिल जाता है तो बहुत बड़ी चीज है। तो हम लोग यहाँ पर तो बहुत अच्छा लगा, सब लोग बड़ी सुंदर रूप से मंगला आरती और स्तव स्तुति सब करते हैं नियम पूर्वक। तो और आज विशेष करके पुरुषोत्तम महीना में पुरुषोत्तम देव जगन्नाथ महाप्रभु की विशेष करके हम लोग भगवान कृष्ण की अर्चन पूजन करते हैं। कार्तिक मास जैसा ही नियम है तो हम लोग उसमें जगन्नाथ जी की अष्टक को पाठ करते थे, कर रहे थे अभी। उनको शंकरा तो हम लोग ये जगन्नाथ अष्टक पाठ कर रहे थे। कहा जाता है कि शंकराचार्य जी ने ये अष्टक को लिखे थे लेकिन ये महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको उनका मुख से निर्गत हुआ यानी उन्होंने जब उनको उच्चारण किए जगन्नाथ जी के लिए स्तुति किए तबे उनका माधुर्य और महिमा बहुत बढ़ गया। सारे वैष्णव आचार्य ने फिर इसे अष्टक को बड़े आदर किए। तो आज भी हमारे गौड़ीय वैष्णव लोग ये अष्टक को पाठ करते हैं। विशेष करके पुरुषोत्तम महीना में सब आचार्य वैष्णव लोग पाठ करते हैं तो आज हम उसका अर्थ को थोड़ा थोड़ा समझने के लिए कोशिश करेंगे। बड़ी सुंदर अर्थ है और ऐसे तो जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण ही है। जगन्नाथ जी राधा भाव विरह विधुरा मूर्ति है इसलिए उनकी जो विजय विग्रह यानी हर समय जगन्नाथ जी नहीं आ पाते लीला करने के लिए तो उनका विजय प्रतिमा विजय विग्रह जो आते हैं वो कौन है? मदन मोहन। उनके नाम मदन मोहन है। तो मदन मोहन कौन है? मदन मोहन है जदा राधा अंगे जदा भाति तदा मदन मोहन। राधारणी की अंग में जब विराजित तो होते कृष्ण तब मदन मोहन यानी वो मदन मोहन राधा और कृष्ण की मिलित तनु है। उसी प्रकार जगन्नाथ जी स्वयं भी राधा और कृष्ण की मिलित विग्रह है इसलिए उनके सारी सर्वांग राधारणी की के द्वारा आलिंगित विग्रह है जगन्नाथ महाप्रभु। जिस प्रकार कृष्ण यानी राधा विनोद बिहारी हमारे चर्चा होती है परम गुरुदेव ने जिस प्रकार वर्णन किए कि राधा चिंता निवेशेन जस्य कांति विलोपिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधा लिंगित विग्रह। राधा आलिंगित विग्रह है राधा विनोद बिहारी और जगन्नाथ महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण विरह राधा भाव लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु राधा विरह स्वयं कृष्ण।
ये राधा भावे कृष्ण रूपे हैल प्रभु गौर अवतार, लेकिन जगन्नाथ अचल जगन्नाथ सचल जगन्नाथ उनको कहते थे चैतन्य महाप्रभु को, और अचल जगन्नाथ कृष्ण स्वयं अचल जगन्नाथ अचल कृष्ण यानी जगन्नाथ महाप्रभु। राधा विरह विधुरा मूर्ति, राधारानी की विरह में जब महाभाव दशा को प्राप्त होते हैं, जिस दशा में कृष्ण की सारी अंग सौष्ठवी पिघल जाता है, तरलता को प्राप्त करते हैं, अपनी प्रेम की एक विकार प्रेम की विरह की एक विधुरा मूर्ति है, वो है जगन्नाथ महाप्रभु। तो वास्तव में उनका जो अष्टक भी लिखे हैं शंकराचार्य जी ने उसी भाव में आकर के, लेकिन कोई कोई तो कहते हैं महाप्रभु के द्वारा मुख से ही निर्गत है वो जगन्नाथ अष्टक में भी उसी प्रकार भाव विद्यमान है। उसको हम कोशिश करेंगे, समय तो जितना है तो थोड़ा बहुत उसको चर्चा करने के लिए। बड़ी सुंदर प्यार है, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करवो मुदा भीरे नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभो ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में। ये हर पैर में हर पद में श्लोक में अंतिम पद बड़ा सुंदर और मार्मिक दिया, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, मतलब अपना भविष्य तो को मैं नहीं देखता हूँ, नहीं देखा काल हमारे क्या होगा, मतलब ये प्यार ऐसा है, ये पद ये निर्देश करता है एकांत शरणागत, यानी मैं परतंत्र मैं स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकता, आगे हमारे प्रारब्ध कर्म के वजह से क्या होगा हमको पता नहीं, इसलिए आगामी काल किसने देखा नहीं, लेकिन हे ठाकुर जी हे जगन्नाथ आप जगत के नाथ हो तो हमारे भी नाथ है, तो मेरा नयन पथगामी आप ही हो जाइए, यानी मेरा नयन में आप सदा सर्वदा विराजमान होइए हो जाइए, यानी विरह की प्रशमित करने के लिए वो वेदना को प्रार्थना करते हुए कहते कि जैसा वृत्रासुर ने प्रार्थना किए थे कि विरहज्यन कांक्षी अजात पक्ष इवमातरम खगा जथावश क्या स्तन्यम जथावश्च तरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विशितं विसन्न मनोरबिंदाख्य दिदृक्षते त्वं। उसी प्रकार ही यहाँ पर कहते नयन पथगामी, यानी मेरा नयन के पथगामी, मतलब मेरा नयन जहाँ जहाँ जाती है आप वहाँ पर विराजमान हो जाए, आप जगत का नाथ यहाँ पर व्याप्त अर्थ में, जिस प्रकार मय प्रत्यय कृपामय मयट प्रत्यय होती है तीन अर्थ में, व्याप्त अर्थ में संकीर्ण अर्थ में और प्राचुर्य अर्थ में, उसी प्रकार यहाँ पर जगन्नाथ मय जगत को देखना चाहते कि मेरा भी उसी प्रकार भाव दशा प्राप्त हो, जहाँ पर जगत वासुदेवमय न देखे तार मूर्ति सर्वत्र स्थावर जंगम न देखे न देखे तार मूर्ति सर्वत्र हयत और इष्ट देवर स्फूर्ति। ये भाव को प्रार्थना करते हुए कहते प्रभु हमारे नेत्र जहाँ पर जाता है, क्योंकि मेरा नेत्र चंचल है तो जहाँ तहाँ जा सकता है, लेकिन मेरा एक अनुरोध है आपके चरण में प्रार्थना है कि आप वहाँ पर विराजमान कीजिए, यानी मेरा नयन पथ का आप ही गामी होइए, आप ही चलिए, मैं आपके पीछे पीछे चलूँ, या मेरा नेत्र जहाँ जाता है आप वहाँ पर विराजमान हो जाए, आपको छोड़ करके वहाँ मैं और कुछ नहीं देखना चाहता हूँ, नयन पथ गामी भवतु मैं, मेरा नयन पथ के आप गामी होइए। इसमें ये पहला श्लोक में बड़ी मार्मिक अर्थ है, कृष्ण की माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों मिलन करते हुए उन्होंने वर्णन करते हैं, जैसा जगन्नाथ जी द्वारिकाधीश, हमारे आराध्य द्वारिकाधीश नहीं है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने वर्णन किया
आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। हमारे आराध्य तो कौन है? ब्रजेश तनय, ब्रज के इस नंद, नंदन ही है। कृष्ण शब्दर अनेक अर्थ आमी नाही जानी, श्याम सुंदर मदन मोहन यही मात्र मानी। महाप्रभु की विचार से कृष्ण का अनेक अर्थ होने पर भी केवल श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेश कृष्ण यही हमारे आराध्य है। तो जगन्नाथ जी तो द्वारिकाधीश है, हमारे क्यों आराध्य है? हम क्यों वर्णन वंदना उनको करेंगे? तो इसमें देखा जाता है कि द्वारिका में वो चले गए थे ब्राह्मण जी, जब लौट करके आए वहाँ पर ये चक्र गदा की निशान को लेकर के द्वारिका चले गए थे, तो राधारण की स्मरण ही नहीं हुआ। वृंदावन में लौटन के बाद में भी वही राधा कुंड में स्थान, वही आदमी भी वही, अपना भाव भी वही था, लेकिन एक बार गलती के द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश को दर्शन किए द्वारिका में चले गए। तो अगर इसी प्रकार मूड आ गया तभी विचार ये आता है कि फिर ये विचार आता है कि द्वारिकाधीश को हम वंदना क्यों करेंगे पुरुषोत्तम महीना में। हाँ, ये द्वारिकाधीश है लेकिन भाव ब्रज भाव है, ब्रजेश्वरी राधा रानी की विरह भाव में ये विग्रह है। इसलिए जगन्नाथ राधा और कृष्ण की मिलित विग्रह, उनका विजय विग्रह मदन मोहन, राधा अंगे जदा भाति तदा मदन मोहन। और रात को भी जो शयन में भी ले जाते हैं शयन विग्रह, वो भी अर्ध नारीश्वर मूर्ति है, अधा राधा अधा कृष्ण। ये भी इसलिए ये प्रश्न है, ये पहला श्लोक में दोनों भाव विराजमान है, माधुर्य और ऐश्वर्य। ऐश्वर्य भाव को अंत में रख करके माधुर्य भाव को पहले वर्णना करते हुए ये प्रकट करते हैं माधुर्य भाव ही श्रेष्ठ है। जैसा दशम स्कंद की पहला श्लोक में परीक्षित महाराज बोलते हुए क्यों यथा सोम सूर्य हो कथित वंश विस्तार भवता सोम सूर्य हो, सूर्य वंश की बाद में बोले, पहले सोम वंश की वर्णना करते हुए इसका टीका में कहते चक्रतिपाद, क्योंकि सोम वंश के प्रति चंद्र वंश के प्रति ज़्यादा माधुर्य, ज़्यादा आकृष्ट होने के कारण, आविष्टता के कारण परीक्षित महाराज सोम वंश के नाम पहला लिया। तो इसी प्रकार ही माधुर्य भाव के प्रति आकृष्ट और आविष्ट होने के कारण ही यहाँ पर पहले माधुर्य भाव की वर्णना और बाद में ऐश्वर्य भाव की वर्णना। माधुर्य भाव में क्या है, ऐश्वर्य माधुर्य क्या है? ऐश्वर्य मतलब ईश्वरता का भाव, ईश्वर मतलब नियंत्रण करता, सर्व नियामक, जिन्होंने सबको नियंत्रण में रखते हैं ये नियामक है। लेकिन ये माधुर्य क्या है कि माधुर्य ये है जो कि मनुष्यवत लीला है। ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में होने पर भी मनुष्य लीला को, मनुष्यकृत व्यवहार को नहीं छोड़ना, यही वास्तव माधुर्य है। तो यहाँ पर माधुर्य भाव को विशेष करके ब्रज भाव को कृष्णेर जते का खिला सर्वोत्तम नरलीला नरबपु तहार स्वरूप, ये किस प्रकार ब्रज में लीला करते हैं माधुर्य भाव को कहते हुए वृंदावन लीला को स्मरण करते हुए कहते, कदाचित कालिंदी तट कभी, यानी वृंदावन छिलेन कृष्ण आछन नीला चले। ये जो जगन्नाथ कदाचित कभी एक बार क्या किए थे, कभी कदाच कालिंदी तट, कालिंदी मतलब वृंदावन, वृंदावन की ये कालिंदी है उनकी एक नाम, उनकी कालिंदी वृंदावन की नाम है। कालिंदी मतलब जमुना के किनारे, और तट विपिन, वहाँ पर जो विपिन मतलब वन है, यानी वृंदावन जहाँ पर जमुना नदी के किनारे किनारे पर, और वृंदावन में संगीत करवो, संगीत मतलब जिन्होंने वेणुनाद करते थे, वेणुनाद किए, यानी वेणु के नाद के द्वारा जिनका उष्ठ अधर चलचंचल हो रहा था। और करवो, करव मतलब
रब मतलब वेणु के रब, कृष्णा वेणु वादन करते हैं जमुना के किनारे और वृंदावन में कदम्ब के डार के नीचे, कि वेणु वादन करने में, वेणु गीत गान करने में जो चलचंचल है वही कृष्ण, और वेणुनाद करके सर्वभूत मनोहर और विशेष करके गोपियों का लज्जारूपी संपत्ति को हरण करके, जिन्होंने जिनका चित्त को हरण करके अपना पास में बुलाए और मुदा और बुला करके जिन्होंने आनंद प्रदान किए रास मंडल में, आभेर नारी और रास मंडल में बुला करके रास मंडल क्या किए, रास नृत्य के द्वारा रास लीला के द्वारा गोपियों को आनंद प्रदान तो किए, और स्वयं भी मुदा आभेर नारी, आभेर मतलब गोपियाँ, मुदा भीरे नारी बदन कमला स्वाद मधु को, जिन्होंने गोपियों की अधर की अमृत को पान करने के लिए मधुप यानी भ्रमर के समान जिन्होंने पान किया स्वाद मधु को, स्वाद मतलब उसको आस्वादन किए यानी गोपियों की अधरामृत पान किए, उसी प्रकार जो कृष्ण, लेकिन इस प्रकार भाव में रहने पर भी जगन्नाथ जी कैसा है, ऐश्वर्य भावे मुदा भीर न उसके लाइन पर रमा शंभु ब्रह्मा, जहाँ पर रमा, रमा मतलब लक्ष्मी, शंभु जो शिव जी, ब्रह्मा जो ये ब्रह्मांड का अधिपति और अमर पति, अमर मतलब देवता, उनके पति मतलब उनकी राजा इंद्र, यानी लक्ष्मी शिव जी और ब्रह्मा, ये सब जिनके अर्चित पदों, जिनका चरण कमल को अर्चन करते हैं, वंदना करते हैं, तो जिनके चरण कमल में सदा सर्वदा निमग्न रहते हैं, इसलिए देखा जाता है जगन्नाथ मंदिर के सामने, जगन्नाथ मंदिर के अंदर जहाँ गरुड़ स्तंभ है, जगन्नाथ मंदिर जहाँ चैतन्य महाप्रभु जहाँ से दर्शन करते थे, एक तरफ ब्रह्मा जी और एक तरफ शिव जी किसी मुद्रा में है, और जैसा बेलवन में लक्ष्मी जैसा हाथ जोड़ करके है, जगन्नाथ मंदिर के अंदर भी अब देखना गरुड़ स्तंभ के पीछे शिवजी और ब्रह्मा किसी मुद्रा में है, हाथ जोड़ करके है, तो इसलिए ये ऐश्वर्य भाव के निदर्शन है। रमा शंभो ब्रह्मा मरपति गणेशार चित पदो, गणेश, गणेश कौन है, शिवजी की अग्र पूज्य गणेश जी, ये सब जिनका चरण कमल को अर्चन करते, आदि शब्द से, आदि शब्द यहाँ पर नहीं है शायद, रमा शंभु ब्रह्मा अमर पति गणेशार चित पद, हाँ गणेश अर्चित पदों की जिन्होंने अर्चन करते जिनका चरण कमल को, यानी हर समय जिनको जहाँ पर वंदना करते हैं, तो वही कृष्ण गोपियों की रास मंडल में उनकी अधरामृत पान करते हुए जो कृष्ण है यानी जो जगन्नाथ है, ऐश्वर्य माधुर्य की मिलन विग्रह, राधा कृष्ण की मिलन विग्रह, जो कृष्ण जो जगन्नाथ पुरुषोत्तम देव, हम उनकी चरण, हम प्रार्थना करते उनके चरण कमल में वो हमारे नयन का पथगामी बने। ठीक है, अभी एक श्लोक हुआ, महाराज जी अभी आप लोग को सुनाएंगे, फिर हम कभी सुजग मिल गया तो फिर बात में पढ़ते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरि ओम, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बार जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्रीला बदायन महाराज अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, अब लोग श्रवण कर रहे थे, रोज सवेर कथा होती थी ना, हमारे तमाल प्रभु कथा करते थे, कहते श्री भागवत की कथा कर रहे थे और भागवत में कृष्ण कथा कर रहे थे, क्योंकि ये जो महीना है श्री पुरुषोत्तम मास है और ये महीना की जो अधिष्ठात्री देवता श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है और पुरुषोत्तम महीना में श्री पुरुषोत्तम की कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे। उसी परिचय में आज की जो कथा थी दाम बंधन लीला, कैसे कृष्ण घर घर में कृष्ण कैसे मक्खन चोरी करते थे हैं? जब मक्खन चोरी करते थे रोज रोज गोपियाँ मैया को पास में उल्लाह ना देती थी, बोले मैया लगता है हम तो ब्रज छोड़ करके और कहीं चले जाएंगे। मैया बोले कहा बात है, बोले कहा बात क्या, तेरे लाला रोज रोज हमारे घर में मक्खन चोरी करता है। मैया बोली मेरे लाला मक्खन चोरी करता है, बोले और क्या, और किसका लाला मक्खन चोरी करता है। मैया ने बोली एक काम करियो कि जो मक्खन है ना, मेरे लाला तो छोटो सो है, कितना तीन साल दो महीना के, और अगर छिके के ऊपर में मक्खन रखोगे मेरे लाला का हाथ नहीं पहुंचेगा। बोले मैया हमने सो करके भी देख लिया। बोले फिर घर में क्या कोई सीढ़ी कोई झीना बना करके रखे हो। बोले सीढ़ी झीना बनाने की जरूरत नहीं, परमात्मा ने तेरे लाला को इतना दिमागदार बनाया वो स्वयं सीढ़ी बना ही लेता है। बोले कैसे, बोले ताऊ भैया थोड़ा मोटो सा है और मक्खन घी दूध पी पी करके मोटे बन गए और उसको उनको तो नीचे बैठा देते हैं और उसको ऊपर में श्रीदाम भैया वसुदाम उसको ऊपर भी और कृष्ण खुद ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर उसको उतार करके सब लूटपाट करके कृष्ण सबके सब खा लेते हैं। इसलिए मैया बोली देखो एक काम करियो। बोले क्या है, बोले अंधकार में रखा करो, मेरे लाला अंधकार को बहुत डरता है। बोले मैया हमने सो करके भी देख लिया। बोले फिर अंधकार में मक्खन कैसे चोरी करता है, कहते तो उसका शरीर में जो हीरे जवाहरात सब गहना उसको शरीर में पहनाती हो वो अंदर में घुसते ही अपने आप आलोक हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। बोले सारे अलंकार उतार दीजिए। बोले हाथ मत लगाए तेरी सौगंध है हैं। बोले फिर बोले उसका जो नाखून है ना
और नाखून से जो ज्योति निकलता है वो इतने प्रकाश है, उससे ही वो घर उजाला हो जाता है, हैं? उतना उजाला हो जाता है। खैर मैया ने बोले देखो हैं मैया, ऐसे रोज रोज मैया के पास में गोपियां शिकायत करती थी। शिकायत करने पर मैया को ऐसे लगा, क्या मेरे घर में जो मक्खन है शायद ये खट्टा होता होगा, मेरे घर में जो गोपियां मक्खन बनाती हैं उसका एक तरीका है, अगर ठीक ठीक से नहीं बनाओ तो खट्टा हो जाता है, लगता है मेरे लाला इसलिए मेरे घर का मक्खन छोड़ करके ये दूसरे घर में ये मक्खन खाता है, इसलिए मैं स्वयं मक्खन बनाऊंगी, हैं? मैं स्वयं मक्खन बनाऊंगी। इसलिए भगवान मैया जसोदा स्वयं अपने हाथों से मक्खन बनाई। इसी प्रसंग में कहते हैं, बोले नंद किम अकरोत ब्रह्मन श्रेय एवं महोदय जसोदा च महाभागा पपौ जस्य स्तनम हरि। यहाँ पर श्री परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न करते हैं, बोले नंद किम अकरोत ब्रह्मन, कहते भैया ये नंद बाबा ने ऐसे कौन सा पुण्य किया है, हैं? ऐसे कौन सा श्रेय आचरण किया है जो परम ब्रह्म परात पर तत्व, जिसको ब्रह्मा कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म सनातनम, कृष्ण कौन है, ये पूर्ण है, कृष्ण ब्रह्म है, कृष्ण सनातन है, लेकिन होते हुए भी जिनकी स्तन पान करते थे, अगर थोड़ी सी मक्खन दूध देने में देर हो जाए ना, कृष्ण तो मटकी फटकी फोड़ देते थे, मटकी फोड़ देते थे कन्हैया, बोले क्या कृष्ण को भूख लगती है, कृष्ण के लिए बताया वो आत्माराम आप तक काम है, जिनकी भूख भूख कुछ है नहीं, हैं? विश्व ब्रह्मांड को जो खिलाने वाले क्या इतने भूख लग जाती है मटकी फटकी फोड़ देते हैं, बोले नहीं, कहते मैया की जो प्रेम है ना, जिसके हृदय में जितना प्रेम प्रेम, मैया क्या सोचती है मेरे लाला है, लाला मेरा लाला है, इसलिए उसको मिनट मिनट में भूख लगती है। कहते उन्होंने ऐसे कौन सा प्रेम की है कृष्ण, जिनकी स्तन पान करने करने मचलते हैं। एक दिन नारद जी देखने के लिए आए, बोले चल एक बार जा करके देख आते हैं वो परत पर तत्व परम ब्रह्म कृष्ण करते हैं क्या। मैया ने थोड़ी देर पहले लाला को स्नान करा के बड़े सुंदर तेल कंघी लगा करके चोटी में हीरे जवाहरातों से एकदम सजा धजा करके कपड़ा पहना करके कृष्ण बलराम को बोले जाओ तुम दोनों खेला करो, मैं अपना घर की काम करती हूँ। लेकिन थोड़ी देर पहले श्रृंगार की कृष्ण बलराम गए और धूल में लोट पोट खा करके सारा शरीर को धूल धूसरित करके आ गए। जब आ गए मैया बोली अभी अभी स्नान कराया और अभी अभी तिलक लगा करके श्रृंगार किया और अभी अभी तुमने बिगाड़ दिया। और कृष्ण आकर बोले मैया हमें गोद में ले ले, मैया हमें गोद में लेकर के दूध पिला दे, बोले गंदा गंदा बच्चा तेरे को मैं दूध नहीं पिलाऊंगी, अभी अभी तुमने श्रृंगार को बिगाड़ दिया। नारद जब देखे बोले भाई भगवान ये क्या हो रहा है, बोले बायो रथापि मनसा मुनि पुंगवानम, मतलब जिनकी हृदय में जिनको ध्यान करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी हैं, इसलिए अभी जो प्रथम श्लोक था ना, बोले जिनके चरणों को ब्रह्मा शंकर नारद हैं लक्ष्मी जिनके चरणों को सेवा करने के लिए तरसते हैं, ब्रह्मा भी जिनकी चरण की नख की छटा तक भी नहीं देख पाते हैं, आज वो भगवान क्या कर रहे हैं, मैया की गोद में चढ़ने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन मैया क्या कर रहे, गंदा बच्चा तेरे को मैं गोद में नहीं लूंगी, भाग यहां से गंदा बच्चा। नारद बोले हे भगवान ये क्या, मैया ने ऐसे कौन सा पुण्य की है, कृष्ण जिनकी स्तन पान करने के लिए मचल रहे हैं गोद में, जिसको ब्रह्मा शंकर भी ध्यान में दर्शन नहीं कर पाते, तब मैया ने इसे कौन सा पुण्य की है, हैं? तब यहाँ पर कहते हैं क्या सचमुच से मैया ने कितना पुण्य की और कन्हैया उनको गोद में चढ़ने के लिए मचलते, बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि जो नंदा और जो जसोदा है ना, कहती ये गोलोक वृंदावन के भगवान की नित्य पिता माता है, ये इनकी नित्य ही पिता माता है, इनको कोई पुण्य से ये नंद जसोदा नहीं बन गई। लेकिन और दो व्यक्ति थे जिनका नाम था
द्रोण और धरा। द्रोण मतलब ये पृथ्वी है, द्रोणाचल पर्वत, धरा मतलब ये पृथ्वी। कहते ये भी एक राजा रानी थे, इन दोनों ने ब्रह्मा जी की आराधना की। जब ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए, बोले क्या चाहते हो? बोले प्रभु हम चाहते हैं भगवान हमारी गोद में आए। स्वाभाविक रूप में एक माँ जैसे एक बच्चे को जन्म देती है, ऐसे हमारे गर्भ से जन्म ग्रहण करें। और जैसे एक बच्चा मचलता है दूध पीने के लिए और बड़ा नटखट करता है, मैया उसको डंडे दिखा कर शासन करती हैं, डपटती हैं, उसको स्नेह करती हैं, हम चाहते हैं कृष्ण हमारे कोख से जन्म ग्रहण करे और हम ऐसे पिता माता जैसे उनको प्यार और उनको प्रेम करें, हैं? इसलिए तब ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया, बोले तथास्तु, हैं? लेकिन वही जो द्रोण धरा, जब नंद जसोदा आए, हैं? जब नंद जसोदा आए उनको शरीर में ये दोनों मिल करके, फिर जब उन्होंने वात्सल्य रस का आस्वादन की, तब उन्होंने स्वाभाविक रूप में फिर वात्सल्य रस का आस्वादन की। तब यहाँ पर कहते हैं, लेकिन ये अभी यहाँ प्रश्न है, इनको वरदान किसने दिया? बोले ब्रह्मा जी ने दिया। बोले किसको दिया वरदान? बोले द्रोण और धरा को ब्रह्मा जी ने वर दिया। बोले क्या ब्रह्मा जी में इतने ताकत है? देखो जैसे मेरे पास में 100 रुपया हो, अगर आप मेरे पास में आए, बोले महाराज हमको 5 रुपया उधार दे सकते हो? आप बताओ मैं 5 रुपया दे सकता कि नहीं दे सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास में 100 रुपया है और मांग रहे हैं कितना? 5 रुपया। फिर क्या मैं देने का लायक हूँ? मेरे पास तो है ही नहीं। उसी तरह ये जो ब्रह्मा जी हैं, इसलिए जो भागवत में जो ब्रह्मा मोहन लीला है, जहाँ पर ब्रह्मा जी जब पता चला, पहले तो ब्रह्मा कृष्ण के बछड़े सखाओं को चुराया, लेकिन जब पता चला कृष्ण कौन है, बोले पूर्ण ब्रह्म है ब्रह्मा जी। फिर तो उन्होंने प्रार्थना करते, बोले प्रभु, जब प्रार्थना करते भगवान, बोले ब्रह्मा जी क्या चाहते हो? क्या ब्रज में मेरा कोई सखा सखी रूप में जन्म लेना चाहते? बोले ना 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 ना, हमने इतने कोई भाग्य नहीं किया ब्रज में कोई सखा सखी बन सके। बोले ब्रज में कोई फिर पशु पक्षी जन्म ले लो? बोले नहीं 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 नहीं, हम ब्रज में पशु पक्षी भी जन्म नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ब्रज का जितने तीर्ण गुल्म लता हैं, ये सब के सब कृष्ण लीला में मदद करने वाले, ये कोई साधारण नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि गुल्म लता कोई साधारण वस्तु नहीं। बोले यहाँ कोई पेड़ पौधा बन जाए? बोले ना ना ना, पेड़ पौधा भी बन नहीं सकते। कहते ब्रज का इतना महत्व, वहाँ पर पेड़ पौधा लता पता घास भी, ब्रह्मा कहते मैं घास भी नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि ब्रज का जो वृक्ष है ना, कहते वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पत्ते पत्ते में श्री राधे राधे होई। भैया हमने इतने पुण्य नहीं किया है। बोले क्या चाहते हो? बोले ब्रज का बाहर में जो छोटे जाति के लोग रहते हैं, उनको घर को सामने मेरे को पत्थर जन्म दे दो। छोटे जाति लोग जब घर में प्रवेश करेंगे क्या करते हैं? वो पत्थर के ऊपर प्यार रख करके प्यार धोते हैं, अपना चरण को उसके ऊपर रगड़ते हैं, रगड़ते हैं ना। ब्रह्मा जैसे व्यक्ति दुनिया को सृष्टि करने वाले, वो क्या मांग रहे हैं? हमें पत्थर जन्म दो और हमें हमारी सर के ऊपर भी ये चरण रगड़े। किसने कहा? ब्रह्मा जी आप इतने बड़े सृष्टिकर्ता दुनिया की, आप मांग क्या रहे हो? इनकी चरण के धूल बनने के लिए, पत्थर बनने के लिए? आप इतने बड़े व्यक्ति होकर ये इतना छोटे चीज कैसे मांगते हो? तब कहते जत मुकुंदम, कहते भैया ये लोग भी साधारण नहीं, इनका जो जीवन है ना, कृष्ण जब हंसते हैं, उनका हंसी कैसे? बोले कुंद पुष्प जैसे उनका हंसी बड़ी सुंदर है। बोले हंसी जिनका जीवन है, प्राण है, ये लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हमने इतने सौभाग्य नहीं किया है, इतना सौभाग्य हमने नहीं किया, इसलिए ब्रह्मा इनको वरदान नहीं दे सकते। ब्रह्मा इनको वरदान दे नहीं सकते, तुमको वात्सल्य रस तुमको प्राप्त हो नहीं दे सकते। लेकिन चूंकि उन्होंने तपस्या की है और इनके अंदर में ये भाव है इनके हृदय में, इसलिए उन्होंने ऊपर से तथास्तु बोल दिया, लेकिन ब्रह्मा जी का कृपा से इनको नहीं मिला। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी वात्सल्य रस को वर्णना कर रहे हैं। बोले जानी जानी हो गीतानी,
तद्बाल तरिता निच दधि निर्मंथन काले गायंती तन गायत एकदा बोलो एकदा गृहदासिषु जसोदानंद गृहिणी कर्मांतरे निजुक्तस्य निर्मंथन स्वयं दधि। यहाँ पर मैया ने क्या किया, जब देखा है मेरे लाला घर घर में मक्खन चोरी करता है, हैं, इसलिए मैया बोली ये ठीक से मक्खन नहीं बना रही हैं, हैं, इसलिए बोले तुम लोग जाओ अपना अपना घर में जाओ, मैं आज स्वयं दूध निकाल करके दही खुद जमाऊंगी और अपना हाथ से स्वयं दही मैं मंथन करूंगी। तो यहाँ कहते हैं जैसे अश्व में घोड़े में जिसका कान श्याम रंग का करना घोड़ा होना, ऐसे जो घोड़ा है दुर्लभ है और जो अश्वमेध यज्ञ होता है क्या क्या हो गया, जो अश्वमेध यज्ञ होता है वो श्याम कर्ण घोड़ा को द्वारा ही अश्वमेध यज्ञ होगा। ये जो घोड़ा है बड़ा दुर्लभ घोड़ा होता है, ये सहज में कहीं नहीं मिलता है। कहते उसी तरह कहते मैया को पास में नंद बाबा का घर में कितने गैया थी, बोले 9 लाख। कितना गैया थी? 9 लाख। जोर से बोलो 9 लाख। सब सो रहे हैं। 9 लाख गैया थी, लेकिन वो 9 लाख गैया के अंदर में हैं कहते जो पद्म गंधा गाभी जिनका कान काला रंग हो, ऐसे गैया सहज में नहीं मिलती है। कहते 9 लाख कृष्ण का समय पर 9 लाख गैया है न, इतने गैया को अंदर में केवल कहते 7-8 केवल गैया थी जिनका कान का रंग काली थी, इतने गैया को अंदर में, और जहां पर भगवान स्वयं कृष्ण और जिनकी दूध निकालो, अगर यहाँ पर वो दूध रख लो ना पूरा कमल फूल से पूरा घर खुशबू खुशबू आ जाए कमल फूल की, और उसका जो मक्खन बनता है वो साधारण मक्खन नहीं, अब वो दूध को जो पिएगा ना शरीर का सारे बीमारी तुम्हारी नष्ट हो जाएगा, ऐसे दूध है। इसलिए मैया ने अपना हाथों से मैया स्वयं दूध को निकाली, निकाल करके वो दूध को कंडे में गैस में नहीं है, इसलिए कंडे में आप लोग जो गांव के होंगे पता होगा कंडे से उन्होंने गर्म किया, और गांव में क्या करता था करते थे कंडे में गर्म करके उसको दूध को रख लेते थे संतरे, और वो सांप तो क्या होता था वो गर्म होता रहता था, अब होते होते ना दूध एकदम लाल बन जाता था और इतने मोटी उसमें मलाई इतने मोटी मलाई जम जाती थी, ऐ उसको खाने में अलग आनंद है, और उसमें अगर बने मक्खन फिर तो कहना क्या है, हैं, उसमें छाछ बने ना, ऐ हमारे उड़ीसा में बनता है कहते बसा दही कहते हैं उड़ीसा में, वो भी लाल रंग का बनता है, हैं, इसलिए मैया ने क्या कि स्वयं अपना दही को उन्होंने जमाया, और नियम है अगर वो जैसे आज रात को जमाओ अगर कल सवेरे अगर उसको मंथन करो ना मंथन करो, जो दुकान में जो मक्खन मिलता है इसे मक्खन नहीं, आप उसको जो अपने हाथों से मंथन करोगे, हम लोगों ने बचपन में खाया हमारे गांव में हमारे मैया बनाती थी, वो मक्खन इतने कोमल होता है इतने सॉफ्ट होता है, एक दिन बाद में बनाओ वो उसमें खट्टापन नहीं आएगा मीठा होगा मक्खन, 4 दिन को बाद में फिर मंथन करोगे ना फिर तो खट्टा हो जाएगी, इसलिए मैया ने क्या किया अपना हाथों से जमा करके एकदम सवेरे सवेरे मैया उठ गई। कन्हैया भी लाला भी सो रहे कहाँ पर पलक को प्रम लाला सो रहा है, इतने में मैया स्वयं आकर के लाला की नींद खराब नहीं हो जाए सवेरे सवेरे मंथन करती थी, बोले क्यों जब सूरज उदय हो जाए गर्मी हो जाता है वो मक्खन इतने कोमल होता है फिर उसमें और मक्खन नहीं निकला, गर्म होगा तो फिर मक्खन नहीं निकलेगा, इसलिए मैया जसोदा क्या कर रही थी बोले जानी जानी गीतानी तद्बाल चरिता निच दधि निर्मंथन काले गायंती तान गायती, इसलिए मैया क्या कर रही थी इधर दधि मंथन दोनों हाथों से दधि मंथन कर रही थी, उधर क्या कर रही थी कहते मैया जसोदा खुद अपने आप खुद उन्होंने कुछ कीर्तन बनाया, और उसी समय में जो लोग कभी लोग थे कृष्ण जन्म से लेकर के अभी तक कृष्ण ने जो जो लीला की थी
उन्होंने बड़े सुंदर पद बद्ध करके बड़े सुंदर भजन बनाए थे। मैया जसोदा कभी अपना किया हुआ भजन, कभी उनका भजन को मुंह से गा रही थी और इधर दधिमंथन कर रही थी। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं मैया कीर्तन क्यों कर रही थी, कहते मैया इधर दधिमंथन कर रही थी कीर्तन क्यों कर रही थी, कहते उसका दो कारण है। कहते पहला कारण है अभी अभी कृष्णा मैया जैसे माँ सोती है ना, जैसे बच्चे को गोद में लेकर के माँ सोती है, मतलब गोद में सोती है ना माँ बच्चे को लेकर के, अभी मैया जसोदा लाला को गोद में सुला सो कर गोद में मतलब सो रही थी रख करके। किसको गोद में लेकर सो रही थी, भगवान को। आप लोग भी माँ हो, बच्चों को गोद में लेकर सोती होगी, आपका आनंद आता होगा। लेकिन जहाँ पर भगवान स्वयं, जहाँ पर ठाकुर जी स्वयं जिसकी गोद में सो रहे सोते होंगे, बताओ कितने आनंद नहीं होगा माँ जसोदा को। साक्षात भगवान को गोद में लेकर कोई सो रहे, कोई साधारण बात, जो स्वयं रस स्वरूप आनंद स्वरूप जो प्रेम स्वरूप। अभी मैया ने कन्या को बिस्तर में रख करके वहां से उन्होंने आए दधिमंथन करने के लिए। अभी कृष्ण का जो विरह है ना उनका सहन नहीं हो रहे, लाला को मैंने कैसे बिस्तर में छोड़ करके मैंने कैसे आ गया, उसको विरह सहन नहीं हो रही माँ को। इसलिए मैया क्या कर रही है, इधर दधिमंथन कर रही है, उधर क्या कर रही है, बोले गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो धर्माधवेति हे कृष्ण हे जा तव हे सखेति गोविंद दामो धर्माधवेति। मैया इधर हाथ में सेवा कर रही है, मुंह में नाम ले रही, जो कृष्ण नाम है मैया जो ले रहे हैं वो विरह में। कहते कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई फर्क नहीं, कृष्ण नाम और कृष्ण एक ही बात है। इसलिए जो कीर्तन है ना, जैसे थोड़ी समय आप कीर्तन कर लो, कथा कर लो, बांस एकदम फ्रेश हो जाती, एकदम फ्रेश हो जाते हैं। सवेरे आ जाओ थोड़ी समय कीर्तन कर लो, कथा कर लो ना, जैसे पौधा का पौधा लगाया गमला में, जैसे पानी दे दिया, बात दिन भर वो काम करेगा। कहते सवेरे अगर हम कीर्तन थोड़ा नाम कर लेना, कहते कृष्ण कीर्तन और भगवान में कोई कहते अभिर्नत्वात नाम नामिना, भगवान और उनका नाम में कोई भी फर्क नहीं, एक ही वस्तु भगवान और उनका नाम। कथा भी एक ही वस्तु, जो कथा सुनते हैं कहाँ पर बैठे हो, भगवान की गोद में बैठे हो, भगवान की गोद में बैठे हुए हो जो कथा सुन रहे हो। इसलिए भगवान कथा कीर्तन में कोई फर्क नहीं। इसलिए जो कीर्तन है, जैसे कृष्ण रास से अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां बैठ कर क्या कीर्तन है, क्यों कीर्तन और भगवान में कोई फर्क। और जो कीर्तन किया ना, कीर्तन का बीच से ही कृष्ण प्रकट हो गए, कीर्तन का बीच से ही। इसलिए यहाँ पर कीर्तन क्यों कर रही है मैया जसोदा, वो इसलिए कर रही है कृष्ण विरह सहन नहीं हो रही है, इसलिए कीर्तन करके अपना विरह को दूर कर रही थी। जब दूर कर रही थी इतने में, और दूसरा सिक्का देते हैं, कहते देखो हम लोग हाथों में क्या करो, जो कुछ करो कृष्ण सेवा मान कर करो, हाथों में काम और मुंह में भगवान की नाम। इसलिए भगवान का नाम लेते रहो, इधर कीर्तन भगवान की सेवा करते रहो, ये दूसरा कारण है। जब मैया दधिमंथन कर रही थी इतने में हाथ में चूड़ी पहनी हुई थी, पहले पहले माताएं बहुत चूड़ी पहनते थे, हैं बहुत चूड़ी। हमारा गाँव में हम देखा जब जाती थी ससुर घर ना, यहाँ से यहाँ तक तो चूड़ी पहन कर जाती थी, हैं। इसलिए इधर चूड़ी पहन रखी थी मैया जसोदा, जब दधिमंथन कर रही थी चूड़ी की झनझन आवाज कर रहा था। कहते वो क्या काम कर रहा था, जैसे मजीरा बजाते हैं, जैसे कीर्तन करते हैं ना हम मजीरा बजा, तो मजीरा का काम कर रहा था। लेकिन जो रई में जब पकड़ करके जब मंथन कर रही थी और उसमें जो घर घर शब्द हो रहा था, किसका काम कर रहा था, ये मृदंग का काम कर रहा था। आप मन लगा करके सुनना, जब ये मृदंग से जो आवाज आती है ना, वो आवाज है धिक्तांग धिक्तांग धिक्तांग। धिक्तांग मतलब क्या है, जिसको भगवान ने ये मानव शरीर दे दिया, लेकिन ये मानव शरीर पाने का बावजूद भी जो भगवान का भजन नहीं करता है, ये मृदंग कौन है, बलदेव प्रभु, ये गुरु जी है, हैं
गुरु क्या करते हैं, गुरुदेव अज्ञान को दूर करते हैं। गुकार अंधकारत्वात् रुकारस्तस्य निरोधकम्, जो हमारी हृदय की अज्ञान को दूर करके हृदय में दिव्य ज्ञान को जो प्रदान करते कहते ये श्री गुरुदेव। इसलिए वो आवाज धिकतांग धिकतांग, बोले उसका जीवन को धिकार है। बोले किसका जीवन को, बोले भगवान जिनको मानव शरीर दिया लेकिन ये शरीर पा करके जो भजन नहीं कर रहे हैं उनका जीवन को धिकार है, उनका जीवन को धिकार दे रही थी है। इतने में कृष्ण सो रहे थे, अभी कृष्ण का नींद खुल गई। आप देखना बच्चों का नींद खुलते ही ना बच्चे क्या करते हैं, पहले मैया की दूध पीना चाहते हैं। बच्चे आंख बंद करके ऐसे कृष्ण देख रहा है, मैया है कि नहीं, मैया है कि नहीं, लेकिन देखता है यार मैया तो है नहीं। बोले मैया कहाँ गई, देखा मैया क्या कर रही थी, दधि मंथन कर रही थी, कृष्ण कीर्तन कर रही थी। फिर कृष्ण ने पलक से उतरे, उतर करके धीरे 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 आए और पीछे से मैया को पकड़ लिया। यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर हम हाथों में सेवा करें ठाकुर जी को, मुंह में अगर कीर्तन करते हैं, हाथों में सेवा और मुंह में कीर्तन करना, भगवान खुद कहते हैं मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं कहाँ रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, जोगियों का हृदय में नहीं, जहाँ पर मेरे भक्त कीर्तन करते हैं, मेरे नाम लेते हैं, मैं वहीं पर रहता हूँ। इसलिए भगवान स्वयं इसका फल किया है, कृष्ण सेवा कृष्ण कीर्तन कर तो कृष्ण स्वयं आ जाते हैं। कृष्ण आकर के पीछे से पकड़ लिए, बोले मैया मैया मेरे को भूख लग रही है, मैया मेरे को दूध पिला दे। बोले लाला थोड़ी सी रुक जा, क्योंकि सूर्य उदय हो जाएगा तो फिर मक्खन नहीं निकलेगा, और मक्खन नहीं निकलेगा तो फिर तेरे मैं फिर क्या खिलाऊंगी, इसलिए थोड़ी सी रुक जा, फिर तेरे मैं दूध भी पिलाऊंगी मक्खन भी खिलाऊंगी। कन्हैया बोले नहीं मैया मेरे को पहले दूध पिला, मक्खन तो बाद में खिलाना, पहले दूध पिला दे। इतने में मैया पिला ही नहीं रही थी, दधि मंथन ही करते जा रही थी। कृष्ण ने सोचा जब तक माँ की मैं दधि मंथन को बंद नहीं कर दूं तब तक मैया मेरे को दूध नहीं पिलाएगी, इसलिए कृष्ण सामने घूम करके आई, हाँ दोनों हाथ से रही को ना ऐसे पकड़ ली। मैया ने देखा लाला तो बड़ा दिमागदार है, है बड़ा बुद्धिमान है इसका, है कि जानता है मैया की दधि मंथन बंद नहीं होगा तो दूध नहीं पिलाएगी। दोनों हाथ जब पकड़ लिए, मैया ने क्या किया, कृष्ण को अपना गोद में बैठा करके फिर उनको स्तन पान कराने लग गई। जब स्तन पान कर रही थी कहते माँ यशोदा कृष्ण का मुखार बिंद को बार बार चुंबन कर रही थी, और जब कृष्ण स्तन पान कर रहे थे भगवान स्वयं दूध पी रहे ठाकुर जी, उनका तो रोम रोम खिल उठ रहा था, हृदय प्रेम में गदगद हो रहा था, प्रेम में विभोर हो रही थी। क्यों, भगवान स्वयं स्तन भगवान पान कर रहे हैं। इधर पान कराते समय उधर क्या हुआ, उधर उन्होंने चूल्हे के ऊपर में दूध उन्होंने गर्म करने के लिए धरा था। अभी ये धीरे 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 वो दूध गर्म होते 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 ना उफनने शुरू कर दिया, उफन करके धीरे धीरे गिरने जा रहा था। कहाँ, बोले आग में गिरने जा रहा था। तब जीव गोस्वामी कहते वो आग में क्यों गिरने जा रहा था, बोले कारण है दूध सोच रहा है मेरा जीवन तो बेकार है। बोले क्यों बेकार है, बोले कृष्ण अभी दूध पी रहे हैं, मैया जसोदा की स्तन में कितना दूध है, बोले जिसको हम खीर समुद्र कहते हैं ना, खीर समुद्र समा जाएगा है इतने दूध, मतलब मैया की स्तन से दूध खत्म होने वाले नहीं। कृष्ण का पेट कितना, विश्व ब्रह्मांड जिनकी उदर में, इसका मतलब है कृष्ण की पेट भी भरेगा नहीं, मैया का स्तन भी खत्म नहीं होगा। फिर मेरे जीवन किस काम के, अगर कृष्ण सेवा में नहीं लग पाऊंगा तो मेरे जीवन बेकार है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर का कीर्तन है, वो कीर्तन में कहते हैं पाषाणे कुटीव माथा आनले पसीव गौरंग गुनीरानी कीर्तन में कह रहे हैं, बोले ये जो जीवन है क्या है, अगर इस जीवन पाकर के भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो क्या ये शरीर को हम आग में प्रवेश करके शरीर को जला दूंगा और सर को पत्थर के ऊपर में पीट पीट कर सर को मैं फोड़ दूंगा, क्योंकि जब कृष्ण दर्शन नहीं हुआ ये जीवन का क्या लाभ है। इसलिए दूध सोच रहा है अगर मैं कृष्ण सेवा में नहीं लग पाऊंगा तो ये जीवन को क्या करो अग्नि में ही दे दो।
लेकिन मैया तो जसोदा है। क्या नाम है? जसोदा। जसोदा मतलब क्या है? बोले जसम ददात इति जसोदा, जो सबको जस प्रदान करती है, हैं? सबको जस देती है। इसलिए मैया बोली, देखो दूध, तुम्हें प्राण त्याग करने का जरूरत नहीं, मैं तेरे को कृष्ण सेवा में लगाऊ, थोड़ी सी रुक जा। बोले कन्हैया थोड़ा गोद से उतर जा, दूध उफन रहा है, अगर कद दूध उफन करके अगर आग में गिर जाए ना, बच्चे का अमंगल है, हैं? बच्चों का अमंगल है, इसलिए दूध उफन करके आग में नहीं गिरनी चाहिए, ये अपशकुन है। इसलिए बोले दूध उफन रहा है, इसलिए लाला थोड़ी सी, और दूध उफन जब उफन कर गिरेगा ना, वो मलाई उससे बनता है, और मलाई होगा तो फिर उससे मक्खन बनेगा, फिर उसी से कृष्ण को खिलाएगी। इसलिए मैया सोच रही है, स्तन में जब दूध है, बच्चा तो कभी भी पी सकता है, लेकिन अगर दूध उफन कर गिर गया तो फिर तो मलाई खत्म। इसलिए लाला थोड़ी सी गोद से उतर जा। बोले मेरा आधा भी पेट नहीं भरा। बोले गोद से उतर जा, मेरे को भर पेट पिला करके तो जाया करो। मैया सोच रही है, इधर पूत भी उफन रहा है और उधर दूध भी उफन रहा है, ये दोनों ही उफन रहे हैं। अभी पहले मेरे को क्या करनी चाहिए? पहले ये दूध जो उफन रहे हैं, इसको पहले बचाओ, हैं? फिर कृष्ण के लिए मलाई बनेगा। बोले उतर जा। बोले नहीं, आप देखे होंगे बंदर जैसे माँ को पकड़ लेती है ना, कन्हैया तो मैया को बंदर जैसे पकड़ लिया। बोले नहीं, मेरे भरपेट दूध पिला करके जा। बोले उतरोगे नहीं कैसे? पकड़े जोर जबरदस्ती बैठा दिया उसको। बोले बैठ जा। कृष्ण का सारे, कृष्ण भी कितने साल के, 3 साल 2 महीना करके हो गया, लेकिन कृष्ण का जो बल पराक्रम, माँ को सामने फीकी पड़ गई, लेकिन कृष्ण जब केवल 6 दिन के थे, पुतना जैसे जब स्तन पान कर रहे थे ना, प्राण ले रहे थे, पुतना भी छुड़ा नहीं सकी, लेकिन मैया ने किया कि पकड़ कर जोर जबरदस्ती बैठा दिए। कृष्ण चुप हो गए, हैं? और मैया जाकर के उधर दूध को जाकर के पानी की छिटका दे करके दूध को उन्होंने बचाई, ठीक है? फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर कल आप लोग सुनेंगे, हमारे तमाल प्रभु बोलेंगे, फिर आप लोग सुनना, ठीक है? बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सितारी करो हरि ओ 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 गौर ब्रह्मानंदे हरि जय श्री श्री गुरु रंगेंद्र विकासधारी राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की जय नितलीला प्रभुशल भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोसाई महाराज की जय नितलीला प्रभुदास नारायण गोसाई महाराज की जय भक्ति प्रज्ञान किशोर गोसाई महाराज की जय भक्ति श्री